हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी ऑल में। आज हम डोरमेट सेंगे। इसकी लेंथ है, इसकी चौड़ाई है 15 इंच और इसकी विड्थ 22 इंच है। अभी हम इसके ऊपर एक फैब्रिक रखेंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ फैब्रिक होना चाहिए। ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। एक के ऊपर एक रख कर हमें इसको कट कर लेना है। फैब्रिक को कट कर लिया है और ये तीन कपड़े ऊपर का नीचे का सेंटर में देख सकते हो। अभी इसको चारों कॉर्नर में स्टिचिंग कर लेंगे हमें। अभी स्टिचिंग कर लिया, अभी एक स्ट्रिप बना लेना है हमें लंबाई में। इस तरह से फोल्ड करके चारों कॉर्नर में सी लेना है। अभी दूसरी तरफ भी सी रख कर, उल्टी तरफ रख कर इसे सीधी तरफ फोल्ड कर लेना है। ऐसे ही चारों तरफ कर लेंगे। ये मैंने सी लिया है, देख सकते हो। इसकी लाइनिंग कितनी, फिनिशिंग कितनी अच्छी है। और अब इसको साइड में करते हैं। घर में रही हुई साड़ी का कतरन लिया है मैंने। इसकी चौड़ाई 4 इंच है। 4 इंच में सारे फैब्रिक को कट किया है, साड़ी को फैब्रिक को। आपके पास कितना कलर का है उतना कलर का कट कर लेंगे। कोई भी दुपट्टा का फैब्रिक ले सकते हो। इस तरह और भी कतरन कट कर लेंगे, टुकड़े रहते हो। अब इसको सियेंगे साइड में। कितने कतरन है उतने कतरन को इस तरह ज्वाइन करते हुए जाना है हमें। डबल डबल सिलाई मारनी है सबको। ये हो गए, अभी इसको खोलेंगे, फिर से सीधे के ऊपर सीधा रख के फिर एक पेंटिंग लगाएंगे। साड़ी का फैब्रिक इसी तरह स्टिच कर लेना है सबको। दो दो सिलाई मार लेना है। ये 3 स्ट्रिप हमारे बन के रेडी हुई। फिर अभी टुकड़े रहे तो सारे स्टिच कर लेंगे इस तरह ही। ये स्टिच कर लिया, इसको भी सीधा कर लेंगे। इसको लेंगे, अभी इसको लेकर सीधा सीधा तरफ है, सीधा तरफ देखने का, उल्टा और सीधा का, इस तरह फोल्ड करने का। फोल्ड करके इस तरह एक कोई भी कील और कोई भी चीज़ ले सकते हो। लेकर इस तरह प्लेट डालते हुए जाने हैं, जाएंगे इस तरह सब में प्लेट डालने का है। इस तरह पूरे में प्लेट डालेंगे हम, छोटी छोटी प्लेट डालना है। इस तरह मैंने सब साड़ी को ज्वाइन कर करके और अभी सब में निर्जल डाल दिया है। इसको इसके ऊपर ज्वाइंट करेंगे। इस तरह कोई भी कॉर्नर सीधा पर देख कर इस तरह रख लेना है। कोई भी कॉर्नर पर इस तरह स्टिचिंग कर लेना है। अंदर तरफ, अंदर की तरफ पक्का स्टिचिंग कर लेना है। कैसा है वैसे चौक जैसा।
इसी तरह स्टिचिंग करते हुए जाना है। चारों तरफ हमने एक स्टेप एक इंच छोड़ के स्टिच कर लेना है। इस तरह से मैंने दो लाइंस रेडी किए हैं, अभी तीसरी लाइन स्टिचिंग कर रही हूँ। इस तरह स्टिच करते हुए इसको इस तरह पूरे में लगा लेना है। सब पे दो दो सिलाई मार लेना। मारने के बाद अंदर की तरफ भी कम पड़ा उस कपड़ा जेंटी कर लेना। इस तरह से देख सकते हो दो दो स्टिच मार लेंगे। मार चुके हैं, अभी इसको वैसे ही प्लेट डालते हुए जाने का स्टिच करने का स्टिच करेंगे राउंड पे। कॉर्नर अच्छे आने जैसा स्टिच करने करेंगे। इसी तरह सारे कॉर्नर को स्टिच कर लेंगे। सब में स्टिच कर लिया, अभी लास्ट में बचा है इसको भी स्टिच कर लेंगे। और एक कर लिए, एक उसी सेंटर में आपका एक कपड़ा लेना है, इसको लेवल पे इस तरह फोल्ड करके चारों कॉर्नर पे स्टिच मार लेंगे। मारने का देखिए हमारा डोरमेट बन के रेडी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।